ने उपलब्धि मिली उनके समर्थन से जनता जो यहाँ के महान मतदाता है और उन्हीं के सहयोग समर्थन परिश्रम से इस तरह के परिणाम इस बार देखने को मौका मिला, तो हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने जो आस्था और विश्वास करके मुझे अपना आशीर्वाद दिया, चुनाव जीते हैं इस बार। और उनके आभारी इसलिए भी हैं कि हमारे नेता का भी उन्होंने सम्मान किया, जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनका भी उन्होंने सम्मान किया, इसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। जनता से सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता से सर यही कहेंगे कि आप की जो मनसा थी वो तो फलीभूत हुआ और आम लोगों में काफ़ी खुशी है, उनमें भी खुशी है, लेकिन हम तो एक आग्रह जरूर करेंगे कि खुशी को खुशी के तरह मनाया जाए, खुशी ऐसा नहीं हो कि किन्हीं अगल बगल के लोगों को पीड़ा पहुंचे, ऐसा खुशी मनाने से कोई मतलब नहीं है। और खुशी में सभी लोग को सम्मिलित कीजिए, जो पक्ष में उनको भी, जो पक्ष में नहीं थे उनको भी, क्योंकि जब हम सांसद हुए तो हम तो सभी के सांसद हैं, सभी के लिए काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जो हमको समर्थन दिया उसी का काम करेंगे, विकास करेंगे, ऐसा होता नहीं। एक बड़ी जीत मिली है, पहली प्राथमिकता क्या होगी मधेपुरा के लिए? देखिए, हम तो पहले भी बताते रहे पत्रकार साथी को, प्राथमिकता हम कभी तय ही नहीं किए। मेरा 15वां चुनाव है विधानसभा और लोकसभा का, तो प्राथमिकता से तो काम कैसे चलेगा। समस्या तो बहुत, जो समस्या थी उसका निदान हो गया, बहुत सारी समस्या हैं, वह मान ली एक प्राथमिकता हम बताएंगे तो वही अंतिम नहीं होगा। तो इसमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में सो हमको तो ख्याल रहता है कि जिस आस्था और विश्वास हम पर लोग बनाया, तो समस्या आते जाएगी, नज़र में आएगा, विचार में आएगा, सबका निदान करने का प्रयास करेंगे हम। या मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि सबका हम निदान कर ही देंगे, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। जीत का श्रेय किसे देंगे? जनता को, मतदाता को, उन्हीं को। काफ़ी खुशी का इजहार करें आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, उनसे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नेता तो जो परिश्रम किए सभी लोग, कार्यकर्ता तो किए ही, हमारे जितने माननीय विधायक हैं, बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र बाबू, विधानसभा के सदस्य हैं गुंजेश्वर शाह जी, बिहार विधानसभा के सदस्य हैं आलोक रंजन जी, रत्नेश सादा जी बिहार सरकार में मंत्री हैं, और जो हमारे साथी महत्वपूर्ण नेता के साथ साथ जो पार्टी के वर्कर हैं और जिन्होंने इसमें जी जान लगा के यह स्थिति पैदा की, उन सभी को सारा श्रेय।